अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये देखिए जी, मेरा काउंटर टॉप, ये सुबह का टाइम हो रहा था, मैं रोटियां बना रही थी, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर करूँगी। और जी मेरा दिन का पूरा व्लॉग है, मॉर्निंग का, सुबह का, और ये रात में देखे मैंने अंडा करी बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं फटाफट बनाई थी मैंने इसलिए। तो यहाँ पे देखे, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से सारा कुछ अरेंज करके रख लेना है कि भाई हमने पहले क्या काम करना है, ठीक है। मैं पहले रोटियाँ बना रही थी, ठीक है, तो सारा यहाँ पे है ना, मैंने रोटियों के रिलेटेड सारा सामान निकाल के रखा हुआ है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। और उरेन भी ये देखे रोटियाँ बना रही थी। अरे वाह, देखा देखा बनी, देखा आएगी, कभी आएगी। अंदर चली गई, रुको। वाह देखा। हाँ जी, तो उरेन को भी मैंने इसी तरीके से सारा कुछ अरेंज करके दे दिया था कि तुम भाई खेलो, घर पे कोई था नहीं, दैट्स वाई वो किसके साथ खेलती, सो या मैंने इस तरीके से उसको है ना लगा दिया था काम पे कि चलो तुम भी रोटी बनाओ यहाँ पे रूम में बैठ के और मैं भी रोटी बना दूँ। तो इस तरीके से मैंने उसको भी सेट करके रख दिया था। उसके बाद ये देखे मैंने रोटियाँ कर ली थी, उसके बाद मैं सारा कुछ है ना जितना भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था, प्रोडक्ट कह रही हूँ, जितनी भी मैंने चीज़ें यूज़ की थी उसको मैं क्लीन करके रख देती हूँ एट अ टाइम, जिससे वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती और वॉश जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे देखे मैं है ना बना रही थी गोश्त। तो इस तरीके से आप लोग जब भी है ना रफली आपने कट करना होता है, कचरा दोबारा बार बार है ना फेंकना नहीं पड़ता डस्टबिन में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर है ना जिसके पास डस्टबिन नहीं होता, पास में कटिंग बोर्ड नहीं होता, वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मली इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, कपड़ा भी छा देती हूँ और जी उसके ऊपर सारी अपनी चीज़ें ले लेती हूँ कि भाई मैंने आलू काटने, टमाटर काटने, प्याज काटने, ठीक है। मैं थोड़ा सा बना रही थी इसलिए क्वांटिटी अभी थोड़ी कम है, अदरवाइज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, आप लोगों को बार बार है ना यहाँ से वहाँ काउंटर टॉप पर पूरा घूमना नहीं पड़ेगा, बस एक ही जगह पर आपने बस कटिंग भी वहीं कर ली और दाल भी वहीं दिया और जी फिर कुकर वहीं पे बंद करके और जी गैस के पास ही उसको चढ़ा दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका है ना थोड़ा वर्किंग भी कम हो जाता है और आप थकते भी नहीं हो। और ये देखिए इस तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद भी दोबारा से उसी कपड़े पे आपने रख देना है ताकि उसका जितना भी पानी है ना वो पूरा कपड़े पर ही आए, आपके काउंटर टॉप पर बिल्कुल भी पानी फैले ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो काउंटर टॉप है वो गीला भी नहीं होगा और आपको बार बार उसको कपड़े से क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर ये कपड़े को आप सुखा सकते हैं या फिर मतलब जैसा है वैसा आप ना ड्रॉवर पे भी इस तरीके से लटका के बस रख देंगे तो भी ये सूख जाएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा पानी था नहीं इसमें। और ये देखें मेरा काउंटर टॉप जैसा था वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर जब भी आप काम करो तो सबसे पहले है ना बर्तन वॉश कर लो, ठीक है। आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, जब आप बर्तन वॉश करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मेरा आधा काम हो चुका है लिटरली। यहाँ पे बर्तन भी मेरे आज कम थे, जैसे कि मैंने बोला कि घर में कोई था नहीं इस वजह से। तो यहाँ पे देखे मैं बस है ना बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन धोते धोते मैं उरेन का एग भी बॉईल कर रही थी और उसको है ना चोकोस खाना था आज, पता नहीं चोकोस कहाँ से उठा लाई थी वो, तो उसको चोकोस खाने का मन हो रहा था, पहली दफ़ा खा रही थी वो, उसका मूड इतना स्विंग होता है कि बस पूछे नहीं। हाँ जी, तो ये छोटी मोटी टिप्स है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं ना रेगुलर डे में, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे देखे मैंने गैस पे है ना कुकर चढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग है ना जब भी आपको बनाना हो सब्जी वगैरह कुछ भी, तो पहले उसको गैस पे चढ़ा दो, उसके बाद सारा काउंटर टॉप अगर साफ़ करना है तो साफ़ कर लो, फिर बर्तन वगैरह धो लो। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी सेव होता है और है ना हमारा काम भी फटाफट होता है कि भाई सब्ज़ी जल तो नहीं रही है, फटाफट ये काम करके फिर उसको देखूँ मैं, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ जिससे है ना मेरा काम फटाफट से हो जाता है और सब्ज़ी भी एक तरफ बनती रहती है। और जब भी आप है ना ऐसा करें ना बर्तन वगैरह धो लें तो उसी के साथ साथ आप काउंटर भी साफ़ करते जाएँ,
तो उससे क्या होगा, आप लोग थकेंगे नहीं और फटाफट से आपका काम भी हो जाएगा। और ये देखिए मैं चोकोस उसके लिए बना रही थी, मुझे नहीं पता है चोकोस कैसे बनाते हैं, तो मैंने दूध नॉर्मली गर्म किया, उसमें शक्कर वगैरह डाली और जी उसमें चोकोस डाल दी। बस इसी तरीके से मैंने उसको दे दिया। उसमें पीछे कुछ डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा हुआ था कि किस तरीके से उसको बनाना है, मुझे ऐसा आया तो मैंने ऐसे ही बना दिया उसको। तो जी यहाँ पे गोश्त जो मैंने बनाया था वो मैंने हाफ ही बनाया था, क्योंकि है ना हम 3-4 जने ही थे, तो इस वजह से अब मैं जो गोश्त बचा हुआ है वो स्टोर करके रख रही हूँ फ्रिज में। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए जी उरेन का स्विंग मूड स्विंग होता है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए मैं जस्ट क्लीन करके हटी थी और इसने दोबारा से खिलारा फिला दिया है, और ये सब मैं वापस क्लीन करना पड़ेगा। तो ये देखिए जी अब मैं इसको है ना चोकोस खिलाऊंगी, आप इसका रिव्यू सुने। अच्छा है, यम्मी है, अब रोज खाओगे आप पक्का? यस और नो? नहीं अच्छा लग रहा पक्का? हाँ जी। तो ये देखे जी मेरे साथ हुआ था फ्रॉड अमेज़ोन की तरफ से, तो ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। अमेज़ोन से मुझे पार्सल आया था। तो चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।